जैसा कि आप जानते हैं कि मारुला क्लासेस की जो ये सेशन है वो उन लोगों के लिए है, ये सीरीज़ बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई गई है या बनाई जा रही है जो बिल्कुल बिगिनिंग और बेसिक से टॉपिक को शुरुआत से लास्ट तक हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो उसी एक सीरीज़ के को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमने प्रोग्रेशन या जिसको सिक्वेंशियल सीरीज़ के नाम से बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग AP, GP, HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस, उनके कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आप आज ये पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक प्रोग्रेशन का और सिक्वेंस सीरीज़ का देंगे। और जैसा कि अगर आपने लास्ट के वीडियोज़ देखे हैं तो हम लोग यहाँ पर हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो ट्रिक्स पे, शॉर्टकट पे कुछ ऐसा यूनिक मेथड के लिए यहाँ पे अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ वो ना देखें, जो कॉन्सेप्चुअली दूर बैठे हुए बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बात करना चाहते हैं, उसी पर उन्हीं के लिए ये सारे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो सिक्वेंस सीरीज़ में हम लोग सिक्वेंस एंड सीरीज़ का मतलब क्या है, सिक्वेंस नंबर्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न और रूल। ठीक है, जो भी आपके नंबर्स हैं अगर वो एक सर्टेन पैटर्न को, एक रूल को फॉलो करते हैं, वो सारी क्या होने हो गई, सीक्वेंस। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कि 1, 2, 4, 9, 16। तो यहाँ देखें कि हर नेचुरल नंबर, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये गलत हो गया, डाल देगा कौन, डाल भी दे, बताना पड़ेगा इसको। 1, 4, 9, 16, 25। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आगे की जो सीक्वेंस है आप उसको समझ जाएंगे कि अब ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ये सीक्वेंस चल जाएगा, सर्टेन रूट को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी नंबर्स इस ऑर्डर में रखे जाएंगे जिनका एक पैटर्न होगा, इनका रूल होगा, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंस। ठीक है, सीरीज अगर आप इसको ऐसे लिख दें 1+4+9+16+25 ऐसे, ठीक है, तो ये सीरीज फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, सीक्वेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा हम लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो है AP, GP और HP, ये भी सीक्वेंस ही है। इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, सीक्वेंस का हमने थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में मेनली इन्हीं सीक्वेंस या मिसलेनियस सीक्वेंस या प्रोग्रेशन की बात, प्रोग्रेशन मतलब वो चीज़ आगे प्रोग्रेस हो, ठीक है, आगे बढ़ती चली जाए। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग बेसिकली अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में, फॉर्मूले के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से सीखने वाले हैं, इन्हीं के बारे में अच्छे से सीखना है। ठीक है, आगे फिर हम लोग मिसलेनियस सीरीज लेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग AP बोलते हैं, AP क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से ही हम लोग उसके बारे में सीख जाएंगे। ठीक, अब प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस इन विच अ नंबर्स
आर इन दैट ऑर्डर, ठीक है, मेनली जो हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान दें, ठीक है। द डिफरेंस जो बात बोलने जा रहे हैं, द डिफरेंस इस पर बात ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ गिवन प्रोग्रेशन, कोई भी आपको प्रोग्रेशन दी गई है, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रम बार लगातार, पहले के बाद दूसरा, चौथे के बाद पांचवा, सातवें के बाद आठवां, ये कॉन्सिक्यूटिव। तो जो भी आपको प्रोग्रेशन में नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स में कोई दो लगातार, उसने बोला एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आपने उठाए और उनका क्या लिया आपने, डिफरेंस मतलब अंतर लिया, वो अंतर इज सेम और कॉन्स्टेंट, वो अंतर समान हो या क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसी अंतर को क्या बोलने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज स्मॉल डी, ठीक है। यही आइडेंटिफाई आपको करवाएगा, यही कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करवाएगा कि ये एपी है या नहीं, ठीक है। जैसे आपने देखा टू और टू के बाद फाइव, फाइव के बाद एट, ठीक है, और एट के बाद ट्वेल्व, अब ऐसे कर हो गया, ठीक है। तो आपने आपने यहाँ पे डिफरेंस लिया, तो टू और फाइव में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस लिया, यहाँ पे डिफरेंस लिया, तो ये एपी है, हाँ, नॉट इन एपी। उसने ये नहीं बोला कि दो नंबर को उठाया कॉन्सिक्यूटिव और आपने डिफरेंस ले लिया, तो कॉन्स्टेंट, उसने किस कोई एनी क्या यूज किया उसने, एनी जो भी आपकी प्रोग्रेशन दी है उसमें कोई भी दो नंबर लगातार, आप लगातार ये भी है कॉन्सिक्यूटिव, कौन से, ये नहीं कि आपने दो कोई भी उठा लिए, चौथा उठा लिया, दसवां उठा, अंतर ले लिया, ये नहीं, कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होता एपी में अगर माना जाता तो ऐसे कैसे होता, टू के बाद क्या आना चाहिए था, फाइव, फाइव के बाद एट, एट के बाद अलेवन, उसके बाद फोर्टीन, ऐसे आती तो ये क्या आ बन जाती, क्योंकि लगातार पदों में डिफरेंस कितना है, थ्री का है, डिफरेंस समान है, कॉमन है, वो कॉमन डिफरेंस क्या है, थ्री, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, थ्री। अब देखो कैसे आता है, ये सीरीज के बारे में ये एपी हो गई, इतना हमने जान लिया, एपी फॉर्म कैसे करेंगे, हमें कैसे सीखना है, दी गई थी कोई प्रोग्रेशन दिया गया था तो हमने एपी निकाल लिया, अब हमें प्रोग्रेशन बनानी है, क्या बनानी है, अब वो एपी में हो, तो हमें बनाने के लिए पहला पद चाहिए, क्या चाहिए, और कॉमन डिफरेंस। उसने बोला कि पहला पद जो है वो टू है, पहला पद क्या है, टू है, और कॉमन डिफरेंस थ्री है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो पहला टर्म क्या आया, टू। अब टू से तीन के अंतर पे रखेंगे तो क्या आएगा, हाँ, टू के बाद तीन ही आएगा अंतर, तो दो के बाद तीन के अंतर पे पांच, पांच के बाद आठ, आठ के बाद ग्यारह के बाद, तो ये आ गई। तो इसको फॉर्म करने के लिए हमें क्या दो ही बातें जरूरत थी, कौन सी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखा जाए तो एनालिसिस करें तो ऐसे आए, यहां पे लिख रहे हैं हम लोग, हमने पहला टर्म लिया, फिर उसमें क्या किया, जो अंतर था हमने इसमें तीन देखो ऐड किया कि नहीं किया, नहीं किया, तो यहां पर क्या ऐड करेंगे, प्लस डी, तो क्या हो जाए, ए प्लस डी। फिर हमने इसमें तीन ऐड करने पर ये आया है, और ये किस किस में ऐड करने पर, हाँ इसमें तीन ऐड करने पर ये आया है, तो देखा जाए इसमें तीन ऐड करने पर ये आया, और इससे ये आने पर कितना, हाँ दो बार ऐड करने पर, तो इससे ये आने पर क्या, एक बार डी ऐड करिए तो ए प्लस टू डी बोल दीजिए, तो समझ गए, नहीं, पहला टर्म कौन सा, ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, दो ही बातें में दी गई, कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म और
कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक। तो अभी हमने देखा कि a फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अगर इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, t मतलब टर्म और फर्स्ट टर्म, तो a होगा। सेकेंड टर्म देखें a प्लस डी होगा। थर्ड टर्म को ऑब्जर्व करें a प्लस 2d होगा। ऐसे अगर हम t 5 लिखें तो a प्लस, हाँ यही बात है यहाँ पे। थर्ड लिखा तो देखो एक कम किया तब टू आया, सेकेंड लिखा एक कम किया, तो फिफ्थ लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 4d आएगा ही नहीं। तो अब एकदम डायरेक्ट देखते हैं t21 लिखना हो a प्लस, हाँ तो बस 20d हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ जो भी है अगर लिख रहे हैं उससे एक कम यहाँ पे आएगा टाइम्स। तो अगर a tn लिखना हो a प्लस, हाँ एन डी या एन माइनस वन, एन माइनस वन और क्या, इसी को nth टर्म बोल दिया गया, ये nth टर्म ठीक है, इसी को बोला गया nth टर्म ऑफ गिवन ए पी हूज फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है ठीक है। हाँ तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया था, टी एन मतलब एनवा पद निकालना है, टी एन मतलब एनवा पद अपन निकाल लिया। अगर आपको टी 20 निकालना है तो आपको केवल एन, एन की वैल्यू क्या रखनी होगी 20, टी 40 निकालना है एन की वैल्यू क्या रखनी होगी 40, टी 60 निकालना हो तो एन की वैल्यू 60। अब सपोज आपको ए की वैल्यू दे दी कि फर्स्ट टर्म दे दिया गया 3, कॉमन डिफरेंस डी दे दिया गया 5, अब टी 25 निकालना है तो सीधे आपने क्या किया, टी एन बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनवा पद ये है तो 25वां पद 25वां पद होगा ए प्लस 20, बोलो भाई ए प्लस 25 माइनस वन तो मतलब 24 ना। हाँ अब ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 3 और 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे कि नहीं, 120 आंसर आ गया, 123 आया, बोलो आया कि नहीं आया। तो 25वां पद निकाल लेंगे, एनवा पद निकाल लेंगे, 100वां पद निकाल लेंगे, कोई भी पद निकाल पाएंगे अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया, बताइए ठीक। अब लास्ट टर्म की बात करें, अगर लास्ट टर्म की, कभी कभी पूछता कि लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं ठीक है, तो लास्ट टर्म को स्मॉल एल से डिनोट करता है, किससे? लास्ट टर्म कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ निकालना है, आपको टी एन पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एनथ टर्म, तो यहीं पर क्या करेंगे एल लिख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है, यही हमारा क्या हो गया लास्ट ठीक है। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, यहां पर ए क्या है फर्स्ट टर्म पहला पद, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म ठीक है, टी एन क्या है एनथ टर्म और एल क्या लिया गया लास्ट टर्म, आपको ये समझना है ठीक है, बहुत ही बेसिक से टर्मिनोलॉजी है आपको समझना है ठीक। 20th टर्म ऑफ द ए पी 1, 5, 9, 13, 17, अब यहाँ पे क्लेम कर दिया कि ए पी है, बट अगर आइडेंटिफाई करना चाहे तो ए पी आइडेंटिफाई कर सकते, वो निकालना ही होगा, डिफरेंस कितने का है 4 का, डिफरेंस कितने का है 4 का, डिफरेंस कितने का है 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला 4, फर्स्ट टर्म कितना मिला 1 ठीक है, और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना क्या है टी 20, क्या निकालना है टी 20 बराबर ए प्लस 19 डी, मतलब ए प्लस 20 माइनस 1 डी, अगर फार्मूला भी लगाना चाहे, केवल आपको फर्स्ट टर्म रखा रखना है यहाँ पे और इतना कैलकुलेशन आप कर लें ठीक है, ये करूँ मैं कर लेंगे 77 बता भी दिया 77 चलिए ले ठीक।
व्हाट टर्म ऑफ द एपी 258 डॉट 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 इज 56। थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ग्रेजुअली धीमे धीमे ही बढ़ना है, हाँ शुरुआत बहुत धीमे धीमे होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, टू, डिफरेंस हमने बोला फाइव और टू में डिफरेंस कितने का है, बोलो भाई थ्री का, और इसमें कितने का, तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, थ्री। अब उसने बोला व्हाट टर्म, कौन सा पद, यानी टी एन, ये बोलो बोलो, हाँ तो यही कन्फ्यूजन है। मैंने बोला ये क्या है, कन्फ्यूजन, ओके, ये लोग ये समझ नहीं पाते कि टी एन दिया गया एन, तो बोला कि व्हाट टर्म ऑफ द ए पी इज दिस, तो यानी टी एन दिया गया, क्या दिया गया, टी एन दिया गया 56, और निकालना क्या है एन, ओके, एनमा पद जो है 56 है, तो एन की वैल्यू कौन सा मा पद, मतलब वैल्यू ऑफ टर्म, ठीक है, पोजीशन, क्या मतलब है पोजीशन, उस पोजीशन पे क्या पड़ा, वो उस पोजीशन पे कौन कौन सी वैल्यू है, वो टी एन हो जाएगी, ठीक, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन क्या दिया गया 56, ए टू, एन निकालना है, डी कितना है 3, यहाँ कितना आया 54, बाई 3 आ गया, एन माइनस वन आ गया, आगे देखें कितना आ जाएगा, हैं, एन माइनस वन बराबर 18, एन बराबर 90, तो एन निकालना था, टी एन हमें दिया गया था, ठीक है। हाँ तो एक थोड़ा सा और फिर चेंज करते हैं, nth टर्म ऑफ द ए पी, तो निकालना में क्या बेसिकली nth टर्म, क्या निकालना है nth टर्म, हुज सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म, सिक्स, सिक्स का मतलब टी सिक्स, एट्थ का मतलब टी एट, सिक्स टर्म और एट टर्म क्या है, 12 और 22 दिए गए। अगर ए पी का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ ए प्लस सिक्स क्या हो जाएगा भाई बताइए, 5d, और यहाँ पर 8 है तो a प्लस 7d। अब हमें टी एन निकालना है यहाँ पे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन तो दिया गया है, मतलब एन मा पद निकालना है, तो n के बारे में तो पता नहीं करना है, फाइंड हमें क्या करना है, a और d, वो मिलेंगे कहाँ से, यहाँ से हमने इनको डिफरेंस किया, ठीक है, तो ये हमारे कट जाएंगे, तो चाहे तो इसको इधर लिख लें या ऐसे रहने दें, माइनस देखो ये माइनस 10 आया और माइनस 2d आ गया, तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, इसको किसी में रख दीजिए, तो पहले वाले में रख दीजिए यहाँ पे, 12 बराबर a प्लस 5 इंटू 5, ए बराबर 12 माइनस 25, ए बराबर कितना आ गया, माइनस 13, ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, टी एन बराबर, ए बराबर है माइनस 13 और n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो आप इतना से कैलकुलेट कर लें, 5n माइनस 5 और माइनस 13 माइनस 18, देखिए ये आपके सामने nवां पद, ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने शुरुआत की है सीक्वेंस एंड सीरीज की, इसके भी हम लोग पार्ट वाइज धीमे 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 करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको आज के कॉन्सेप्ट के साथ जनरल टर्म ऑफ एपी के हर लेवल के क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं। हमने बोला ही है कि अगर आप टीचर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, टीचर से आप मेहनत करवाना चाहते हैं, गुरु से आप मेहनत करवाना चाहते हैं और खुद, ठीक है, रिजल्ट आते हैं तो पॉसिबल नहीं है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है। तो मारुला क्लासेस का ये भी एक चैनल आपको एक रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, एक मोटिवेशन दे रहा है, एक आपको नियमित रेगुलर एक कॉन्टीन्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसी कॉन्टीन्यूटी को बरकरार रखें और अपने एफर्ट को भी जिंदा आप रखें, तो लास्ट में हम लोग कुछ ऐसे फीडबैक ज़रूर मुझे मिलेंगे जो बोलेंगे कि सर हम आपके स्टूडेंट्स एज अ कोचिंग स्टूडेंट तो नहीं थे, बट यूट्यूब से हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये सारे वीडियोस डेडिकेटेड हैं, वो अगर हमें कुछ फीडबैक देंगे जो हमारी कमियों को अगर आइडेंटिफाई करके वहाँ रखेंगे, तो हम उनको तहे दिल से शुक्रिया बोलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसी कमिटमेंट के साथ फिर से नए जोश के साथ आएंगे, और धन्यवाद।